हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीवीआरएसटी में एक बार फिर स्वागत है। तो आइए फ्रेंड्स, वर्ब समाप्त हो गया, अब आइए आज पढ़ते हैं हम सभी एडवर्ब। फ्रेंड्स, एडवर्ब का अर्थ होता है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण क्या होता है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। क्रिया विशेषण वो चीज होती है जो वाक्य में वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब की विशेषता को प्रकट करती है ना। तो आइए देखते हैं क्रिया विशेषण क्या होता है फ्रेंड्स। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव एंड इन अदर एडवर्ब। सर, तो आइए फ्रेंड देखते हैं क्रिया विशेषण क्या है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड, क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो मॉडिफाइज बताता है मीनिंग ऑफ वर्ब, क्रिया की क्रिया का अर्थ, एडजेक्टिव एंड इन अदर एडवर्ब अर्थात वर्ब, एडजेक्टिव एंड माने और इन अदर एडवर्ब। तो फ्रेंड्स, क्रिया विशेषण वह शब्द है जो क्रिया विशेषण और वाक्य में दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता को बताता है। तो आइए हम सभी एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कैसी विशेषता को प्रकट करता है। तो ये फ्रेंड्स एग्जाम्पल के माध्यम से हम सभी एडवर्ब को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। तो पहला एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है यू आर अ गुड बॉय। यहाँ पे देखिए कह रहा है यह क्या प्रोनाउन है, एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। तो क्या बॉय क्या है, एडजेक्टिव है, सॉरी नाउन है, और ये क्या है एडवर्ब गुड है ना, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ऊपर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, नाउन की विशेषता बताता है ना, नाउन की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे नाउन होना चाहिए, कह रहा है एडवर्ब नाउन की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे बॉय क्या है आपका नाउन है, और यहाँ पे गुड क्या है एडजेक्टिव है ना। तो देखिए फ्रेंड्स कह रहा है एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यू आर वेरी गुड बॉय। अब यहाँ पे क्या है आपका एडजेक्टिव है, ये नाउन है, नाउन किसकी विशेषता बता रहा है गुड। तो नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। और यहाँ गुड क्या एडजेक्टिव है आपका, और एडजेक्टिव की विशेषता कौन बता रहा है, वेरी। तो वेरी क्या है एडवर्ब, और एडवर्ब यहाँ एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, ये आपका एडवर्ब है एडवर्ब, और ये क्या है एडजेक्टिव। तो इस तरह एडजेक्टिव की विशेषता कौन बता रहा है, वेरी एडवर्ब। इस फर्स्ट एग्जांपल में एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, और सेकंड एग्जांपल देखते हैं है ना, कह रहा है सी इज वेल ड्रेस्ड गर्ल ऑफ हर क्लास। तो यहाँ पे क्या है, गर्ल आपका नाउन है, और नाउन की विशेषता बता रहा है कौन, ड्रेस्ड अर्थात पास्ट पार्टिसिपल में, या क्या एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की विशेषता कौन बता रहा है, वेल। तो ये क्या है एडवर्ब है, एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है ना। तो समझ में आया फ्रेंड्स, ये एडजेक्टिव की विशेषता कौन बता रहा है, एडवर्ब। सी इज वेल ड्रेस्ड गर्ल ऑफ हर ऑफिस। तो इस प्रकार एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है ना। तो ये एग्जांपल क्लियर हुआ, अब आइए देखते हैं एडवर्ब वर्ब की विशेषता भी बताता है। कह रहा है सी स्पीक्स, सी माने वह स्पीक्स माने बोलती है, फ्रेंकली आप सभी को बताया गया है फ्रेंड्स, जिस जब एडजेक्टिव में एलवाई लगा देते हैं, एलवाई जोड़ने से क्या हो जाता है एडवर्ब। तो यहाँ पे वर्ब क्या है स्पीक्स, और यही इसी की वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है, फ्रेंकली शब्द। जब फ्रेंकली शब्द स्पीक्स अर्थात वर्ब की विशेषता को प्रकट कर रहा है, तो क्या हुआ एडवर्ब हुआ, वह द
धारा प्रवाह बोलती है ना, तेजी से बोलती है, जल्दी जल्दी बोलती है, ऐसा कह सकते हैं। सी रीड्स बुक केयरफुली, रीड्स बुक्स केयरफुली, वह पुस्तकों कैसे पढ़ती है, बड़ी सावधानी से, सावधानी से पढ़ती है। अर्थात रीड वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है, ये आपका एडवर्ब केयरफुली, तो इस प्रकार ये क्या हुआ एडवर्ब, है ना। इस प्रकार आप सभी को मालूम चला कि वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब, अर्थात एडवर्ब एडजेक्टिव और वर्ब दोनों की विशेषता बताता है। तो आइए अब देखते हैं हम एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की विशेषता कैसे बताता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा ही स्पीक्स इंग्लिश वेरी केयरफुली। अब आपका ये क्या है, फ्रेंकली स्पीक की विशेषता प्रकट कर रहा है, परंतु फ्रेंकली की विशेषता कौन बता रहा है, ये वेरी शब्द फ्रेंकली की विशेषता बता रहा है, बहुत धारा प्रवाह बोलती है ना। दे वॉक, वॉक माने क्या है, टहलना, वे टहलते हैं केयरफुली, सावधानी से, और केयरफुली की विशेषता कौन बता रहा है, वेरी। इस प्रकार क्लियर हुआ एडवर्ब एडजेक्टिव वर्ब और एनादर एडवर्ब की विशेषता को बताता है। तो आइए फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं अब काइंड्स ऑफ एडवर्ब, काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब क्रिया विशेषण के प्रकार, क्रिया विशेषण 14 प्रकार के होते हैं। परंतु फ्रेंड्स ये बेसिक क्लास है, आप लोग बेसिक क्लास में मेन मेन जो आप लोगों के वाक्य में अधिकांश यूज होते रहते हैं, तो उसी को आइए हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो पहला है क्या है, प्लेस एडवर्ब, प्लेस ऑफ एडवर्ब। फ्रेंड्स जिस एडवर्ब से, जिस क्रिया विशेषण से स्थान का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, प्लेस ऑफ एडवर्ब, प्लेस ऑफ एडवर्ब। अर्थात हियर, देयर, मुंबई, समवेयर, एनीवेयर, है ना। तो ये क्या है, प्लेस एडवर्ब, किसी स्थान का नाम, मुंबई, प्रसिद्धपुरा, अलाहाबाद, प्रयागराज, रंगपुरा, लखनऊ, दिल्ली, है ना, मालदीव, ये सब क्या, प्लेस ऑफ एडवर्ब है। अर्थात ऐसे एडवर्ब, ऐसे क्रिया विशेषण जिनसे हमें स्थान का बोध हो, तो प्लेस ऑफ एडवर्ब कहलाते हैं। इसी प्रकार टाइम ऑफ एडवर्ब दूसरा है, नंबर है, टाइम ऑफ एडवर्ब, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, टुमारो, यस्टरडे, टिल नाउ, टिल टुडे, सो फार, बाई फार, ये सब क्या है, टाइम ऑफ एडवर्ब, टाइम का बोध करा रहे हैं, समय का बोध करा, 3 o'clock, 4 o'clock, मंथ, है ना, जनवरी, फरवरी, मंडे, सैटरडे, ट्यूजडे, अर्थात जिससे हमें समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं, टाइम ऑफ एडवर्ब। इसी प्रकार मैनर एडवर्ब, तो फ्रेंड्स मैनर एडवर्ब क्या होता है, जब हम एडजेक्टिव में एल वाई शब्द लगाते हैं वो क्या हो जाता है, मैनर एडवर्ब। जैसे आपका बोल्ड क्या है, जैसे कह दिया जाए ही इज अ बोल्ड बॉय, बोल्ड बॉय, ये आपका क्या है, बोल्ड एडजेक्टिव है, बॉय साहसी लड़का है, या एडजेक्टिव है ना, बोल्ड एडजेक्टिव। अब यहाँ में एल वाई लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बोल्डली, साहसी, साहसी रूप से, है ना, तो ये क्या है, एडवर्ब हो गया। नाइसली, नाइस, नाइस प्लेस, दिस इज ए नाइस, नाइस प्लेस, तो नाइस क्या एडजेक्टिव है, परंतु एल वाई लगा देने से क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। इसी प्रकार केयरफुली, फ्रेंकली, ये सब क्या है, माइनर एडवर्ब, अर्थात हमारे होने वाले कार्य के तौर तरीकों को व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार फ्रेक्वेंसी एडवर्ब, फ्रेक्वेंसी एडवर्ब क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमें वाक्य में बताती है कार्य कितना हुआ है, कितनी बार हो रही है ना, वाक्य में क्रिया कितनी बार हो रही है या कब हो रही है, कैसे हो रही है, ये ऐसा, ठीक है ना। डेफिनेट फ्रीक्वेंसी एडवर्ब, फ्रीक्वेंसी एडवर्ब दो प्रकार से होते हैं, फ्रीक्वेंसी एडवर्ब और इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी एडवर्ब, अर्थात निश्चित अनिश्चित। निश्चित फ्रीक्वेंसी एडवर्ब क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 times, और इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी एडवर्ब क्या है, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, यूजुअली, जनरली, है ना, सेल्डम आर नेवर, सेल्डम इफ इवर, तो ऐसा। तो इसका यूज देखते हैं, आइए हम इसका प्रयोग देखते हैं, एडवर्ब कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ तक कि पोजीशन ऑफ एडवर्ब आप लोग डिफिनेशन पढ़ लिए, एडवर्ब के प्रकार पढ़ लिए, तो आइए अब देखते हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब वाक्य में एडवर्ब का स्थान कहाँ कहाँ पे होता है, कहाँ कहाँ पे हम एडवर्ब को यूज कर सकते हैं, तो आइए एडवर्ब को देखते हैं। फ्रेंड्स एडवर्ब को 3 तरीके से यूज किया जाता है, फ्रंट पोजीशन, मिड पोजीशन और एंड पोजीशन, अर्थात अंतिम पोजीशन। तो फ्रंट पोजीशन क्या होती है फ्रेंड्स, जब हम एडवर्ब को
वाक्य के प्रारंभ में और कॉमा से अलग लिखते हैं तो क्या होती है फ्रंट पोजिशन। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं एडवर्ब, ये क्या है आपका एडवर्ब कॉमा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है ना, फिर ऑब्जेक्ट। जैसा कि एग्जांपल भी लिखा गया बोल्डली साहसी पूर्वक ही फेस्ड वह सामना किया प्रॉब्लम समस्याओं का, तो यहाँ पे क्या है फर्स्ट पोजिशन अर्थात फ्रंट पोजिशन। मिड पोजिशन ये मिडिल पोजिशन है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एडवर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मिड पोजीशन में फ्रेंड्स कभी कभी मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, यदि यूं कहा जाए सब्जेक्ट के होने पर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यदि नहीं है मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के पहले एडवर्ब को लिखा जाता है, फिर क्या आता है मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया दे हैव नेवर सीन द ताज है ना, यदि कहा जाए वे दे ऑलवेज राइट अ लेटर है ना, तो यहाँ पे आपको क्या है दे ऑलवेज, यहाँ पे आप तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब है नहीं है, अर्थात जब हेल्पिंग वर्ब होती है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एडवर्ब को लिखते हैं, अन्यथा हेल्पिंग वर्ब के ना होने पर मेन वर्ब से पूर्व एडवर्ब को हम लिखते हैं। दे ऑलवेज राइट लेटर्स, जैसे यहाँ पे लिखा है दे हैव नेवर सीन द ताज, ये मिड पोजीशन हो गई और लास्ट पोजीशन अर्थात एंड पोजीशन क्या है देखिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब एडवर्ब और यदि वाक में साथ में ऑब्जेक्ट आया है तो उसके बाद हम एडवर्ब को लिखते हैं। क्या है पोजीशन देखिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बाद एडवर्ब लिखते हैं, परंतु यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए दे रोट अ लेटर ऑन मंडे, या इसी को इस तरह से लिख सकते हैं दे वेंट टू मुंबई ऑन मंडे है ना, या एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दे रोट स्टडे है ना, अब यहाँ पे क्या एडवर्ब वहां पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नहीं, वे कल लिखे, तो आइए ये रही पोजीशन ऑफ एडवर्ब पोजीशन। तो आइए तो फ्रेंड्स अब आइए देखते हैं कौन से एडवर्ब किस किस पोजीशन पर यूज होते हैं। अभी तक आप लोग पढ़ रहे थे एडवर्ब पोजीशन ऑफ एडवर्ब, एक किसी भी एडवर्ब की वाक्य में तीन पोजीशन होती हैं, परंतु अब अलग अलग तरीके से कौन सा एडवर्ब किस पोजीशन पर यूज होता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं डिफिनिट और इनडिफिनिट, डिफिनिट फ्रीक्वेंसी एडवर्ब और इनडिफिनिट फ्रीक्वेंसी एडवर्ब। डिफिनिट फ्रीक्वेंसी एडवर्ब फ्रेंड्स तीनों स्थान पर यूज होते हैं अर्थात फ्रंट पोजीशन मिड पोजीशन और एंड पोजीशन। तो वाक्य में आप लोग देख सकते हैं ट्विस्ट दो बार है ना, ये आपका वाक्य प्रारंभ है पहला स्थान है, ये आपका सब्जेक्ट है और कॉमा से अलग ट्विस्ट लिखा गया अर्थात दो बार ही टॉक्ड मुझसे बात किया ऑन द इशू है ना, मुझसे बात किया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे टू का प्रयोग होगा, जब टॉक की बात कोई ऑब्जेक्ट आता है तो टू का प्रयोग अवश्य होता है, तो यहाँ पे टू का प्रयोग होगा। तो देखिए कह रहा है ट्विस ही टॉक टू मी ऑन द इशू, इस मुद्दे पर क्या किया चर्चा किया बात किया। अब सेकंड पोजीशन है ही ट्विस, अब यहाँ पे क्या मेन वर्ब से पहले है सब्जेक्ट के बाद आपका एडवर्ब आया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो एडवर्ब क्या आता है मेन वर्ब से पहले आता है। जैसा कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं ना ये ही ट्विस्ट टॉक्ड टू मी ऑन द इशू और लास्ट पोजीशन है ही टॉक्ड टू मी ट्विस्ट, ये आपका एडवर्ब मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया है और आपको बताया गया जब ऑब्जेक्ट होता है वाक्य में तो ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब आता है, जैसा कि यहाँ क्विज को देखा जा सकता है ना। और इसी प्रकार इनडिफिनिट फ्रीक्वेंसी एडवर्ब केवल एक पोजीशन और वह पोजीशन है इसकी
मिड पोजीशन, केवल मिड पोजीशन पे आता है, जैसा कि इसमें लिखा गया है दे ऑलवेज गो टू स्कूल, फिर ही नेवर डज हिज वर्क, केवल मिड पोजीशन पर यूज होता है। और यहाँ पे देखिए प्लेस ऑफ एडवर्ब, प्लेस ऑफ एडवर्ब तीनों को दो पोजीशन पर आता है, फ्रंट और एंड पोजीशन, इन दिल्ली ही लिव्स, ये आपका फ्रंट पोजीशन और ये एंड पोजीशन। और टाइम ऑफ एडवर्ब फ्रंट मिड और एंड तीनों पोजीशन पे लिखा जाता है ऑन मंडे, ये क्या है फर्स्ट पोजीशन अर्थात फ्रंट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन मेन वर्ब, और मेन वर्ब से पहले लिखा गया है यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब ने ही ऑन मंडे रोट अ लेटर, और लास्ट पोजीशन क्या है दे वेंट टू आगरा यस्टरडे, है ना, टाइम ऑफ एडवर्ब है। अब मैनर ऑफ एडवर्ब क्या है फ्रंट मिड एंड पोजीशन, केयरफुली ही रोट अ लेटर, फिर सेकंड पोजीशन है ही विल डेफिनेटली कम, फिर लास्ट पोजीशन क्या है दे फेस्ड प्रॉब्लम्स बोल्डली, साहसी पूर्वक समस्या का क्या किए सामना किए। तो फ्रेंड्स अब यहीं पर इस क्लास को समाप्त करते हैं, अब नेक्स्ट क्लास में आप लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव।